ये सब कैसल मारने आपसे? जी हाँ, मगर आपसे एक बात कहूं, प्लीज आप खुद को इस शख्स से दूर कर लीजिए। ये शख्स आपके काबिल नहीं है, आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये किसी को भी किसी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपनी वालदा के पास उनके घर चले जाएं और किसी भी मोड़ पर किसी भी जगह पर आपको अगर मदद की जरूरत है तो मैं करने को तैयार हूं। आई विल हेल्प यू एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। मायरा, हेलो, हेलो मायरा, कैसे हैं आतिर साहब? वैसे मैंने अभी अपनी बीवी को कस के थप्पड़ मारा है। आपको आवाज सुनाई दी? क्या बकवास है ये, क्या कह रहे हो तुम सलमान? आपको कहां सुनाई दी होगी, आप दोनों तो अपनी आशिकी माशूकी की बातों में डूबे हुए थे। एक काम करता हूं, और थप्पड़ मारता हूं, इस बार जमा के मारो। सुनिएगा सलमान, सलमान अब बताइए आवाज आई? अरे सलमान, तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझे बताओ। मैं तुम इस पे जुल्म करना बंद करो, मत करो ये सब, वरना मैं पुलिस लेके तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊंगा। अरे लाइए ना, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, तुम्हारी पुलिस का भी। लेकिन आप फोन काट रहा हूं क्योंकि आप अपनी बीवी को प्राइवेसी में पीटना चाहते हो। ये आदमी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी जुरत? सलमान क्या कर रहे हो तुम? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? अबे हाथ, इसे जो हरकत किया उसके बाद से जान से मारना चाहिए। आप छोड़े मुझे, हमें छोड़ जाओ। प्लीज आप इसको यहाँ से ले जाएं, प्लीज। अबे क्यों लेकर जाएं? चलो यहाँ से। मुझे छोड़े, हम चुप हो जाओ। मैं कह रही हूँ चलो यहाँ से। चलो देखता हूँ मैं। चलो यहाँ से। कि तो ऐसी की तैसी। तुम ठीक हो ना? जा रही हो उसको सबक सिखाने के लिए, ताकि उसको पता चले कि किसी पे हाथ कैसे उठाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अगर मायरा, अगर मगर कुछ नहीं, इस बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज। तुम इसी तरह उसके जुल्म और सितम सहती रहोगी? उसने तुम्हारी प्रेगनेंसी तक का ख्याल नहीं किया। ऐसी हालत में तो बुरे से बुरा इंसान भी नरमी से पेश आता है, मगर ये तो जानवर है। मुझे हमेशा से पता था कि सलमान एक जानवर है, तुम लोगों ने अब देखा है, इसलिए हैरत हो रही है। मोहब्बत के दावे तो वो ऐसे करता है, ये उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए? हाँ ऐसी है उसकी मोहब्बत। पहले मारना पीटना, फिर पांव पड़ के भीख मांगना कि मैं उसको माफ कर दूं, और जैसी मैं उसको माफ करूं उठ के फौरन मेरा गला दबा देना, यही है उसकी मोहब्बत। Oh,
सब इसकी वजह से हुआ है। मैं बाहर से गुस्से में आया था, इसने मेरा खून खौला दिया। मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला था, जो सच है वही कहा ना। चुप करो। तुम्हें किसने कहा भाई और भाभी के मामलात में दखल अंदाजी दो? 1000 दफा तुम्हें कहा बाज आ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा किसी दिन तुम्हारे साथ। और तुम कहां से इतने कानों के कच्चे हो गए कि इसने कहा और तुमने यकीन कर लिया बीवी को मारने दौड़े? ये भी जानते हो कि वो मां बनने वाली है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता ना उसे तो सारी उम्र पछताते। बस भाई रहने दे, बहुत हो गई। मेरे बेटे को बिला वजह अंडर प्रेशर लाने की जरूरत नहीं है। मर्द का बच्चा है मेरा बेटा, तेरे दूसरे बेटे की तरह जोरू का गुलाम नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि इस मामले में ये बातें करने के बजाय उसे थोड़ी अक्ल दे देते आप। रहने दे। हाँ भाई तू बता, किस बात पे गुस्सा आया था तुझे? जबान चला रही थी या तेरे आगे? जबान चलाती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेता, वो तो मेरे सामने अपने आशिक के साथ फोन पर लगी हुई थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, आ गया गुस्सा। और अबे तुम चुप क्यों बैठा हुआ इतनी देर से? अबे चीज सीखे बताना। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बक किरदार औरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबे तेरी जगह कोई गैरतमंद आदमी होता तो जान से मार देता उसे, ठीक कर दे उसे। अभी उसे बुलाता हूं। ना तू बैठ, बैठ इधर, जा भाई, जा बुला के ला महारानी को। अरे बता तो रही हूँ, 2 बार बुलाने गई हूँ, लेकिन पता नहीं वो दोनों बहनें कौन सी स्कीमें बनाने में लगी हुई हैं। ओ जा, जाके उसको बोल अब्बा बुला रहे हैं यहाँ। देखो तो सही हमारी क्या हैसियत है उसके आगे। सुनो अब्बा बुला रहे हैं फौरन। आओ बेटा। मैं ठीक हूँ पापा। हमें तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है भाई। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। ऐसे कैसे बात नहीं करनी, ऐसे कैसे चलेगा? बात तो करनी पड़ेगी। सलमान पुलिस आई यार, तुम्हें बुला रही बाहर। अबे यार कह दो यहाँ को सलमान नहीं रहता। यार मैंने बड़ी कोशिश की टालने की मगर वो नहीं सुन रहे यार। वो लेडी ऑफिसर भी है, वो अंदर आना चाह रही है और मायरा से बात भी करना चाह रही है। इसीलिए गुस्सा आया था मुझे इस पर। इसका आशिक लेकर आया पुलिस को, धमकी दी थी मुझे फोन पर कि पुलिस लेकर आऊंगा, ले आया वो। ऐसे कैसे ले आया पुलिस को? मियां बीबी का मामला है ये, किसी गैर को हक नहीं है दखल देने का। संभाल रही इसे, देख लेते हैं पुलिस को भी। चल